हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सब के? होप करता हूँ सारे बढ़िया होंगे, मजे कर रहे होंगे, अपने अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे यार। तो यार, जैसे कि आप लोग सब जानते हो, पिछले पार्ट में हम लोगों ने सोनीपत जंक्शन से लेके चंडीगढ़ जंक्शन तक की हमारी जर्नी को किया था, जिसमें हमने काफ़ी कुछ दिखाया कि मैंने इस ट्रेन को कैसे बोर्ड किया, कितनी मेरी मत्था कपाई हुई गई इस ट्रेन को बोर्ड करते टाइम, और क्या हाल था इस ट्रेन का। वो सारा कुछ अगर आपको देखना तो आपको पार्ट वन जरूर देखना पड़ेगा, और इस जर्नी को बढ़िया से अगर समझ रहे हैं कि मेरे साथ क्या क्या हुआ चंडीगढ़ तक, तो आपको पार्ट वन जरूर देखना पड़ेगा, आपके लिए मैंडेटरी है कि आपको देखना है। तो यार, अब हम लोग आगे की जर्नी कंटिन्यू करने वाले, चंडीगढ़ जंक्शन से लेके आगे हम अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। और आज जो है हमको बहुत ही ज़्यादा मजे आने वाले हैं, क्योंकि इस पार्ट में मैं आपको दिखाने वाला हूँ डे जर्नी, क्योंकि डे की मॉर्निंग की लाइट के अंदर जो ब्यूटीफुल व्यू आने वाला है पंजाब के खेतों का, और मज़ा आ जाने वाला है। तो बस बने रहिए और फटाफट से अब शुरू करते हैं अपनी जर्नी को। गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी का? सो मॉर्निंग की शुरुआत हो रही है यार टी के साथ, पेंट्री कार से टी लीजिए तो टेस्ट किया तो यार वही पानी ही है और कुछ तो है नहीं यार। नॉर्मल जो ट्रेन थी इससे क्या ही एक्सपेक्ट कर सकता था, जितने भी दिए चलो ठीक है, इसने जो दिया ठीक दे दिया। अभी यार लुधियाना से करीबन 10-12 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक छोटा सा स्टेशन है, उधर रुके हुए। काफ़ी खूबसूरत सा स्टेशन है यार, काफ़ी सारे पेड़ पौधे उग रखे, और इस अर्ली मॉर्निंग टाइम में ना तो और ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। मैं तो यार काफ़ी इंप्रेसिव हूँ इस रूट से, अच्छा लगा यार काफ़ी रूट, क्योंकि फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा हूँ यार मैं, मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये। Thank you.
यार पेंट्री में तो कुछ खास था नहीं, पर अब लुधियाना से थोड़ी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, मतलब थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा है कि ब्रेकफास्ट पॉइंट हम उसी को बना लें, कुछ ढंग का मिलेगा वहाँ पे। देखते हैं यार लुधियाना में क्या मिलता है, क्योंकि वहीं पे कुछ खाने पीने का लेंगे सुबह ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि अभी तो बढ़ रहे हैं लुधियाने के लिए 10 किलोमीटर रह गए, पता है बस थोड़ा देर और। सो फाइनली यार काफ़ी देर आउटर पर रुकने के बाद अपने को अराइवल मिल रहा है लुधियाना जंक्शन में, बिकॉज बहुत सारी ट्रेन है जो अभी वहाँ पर खड़ी हुई थी। सो फाइनली अपना टाइम आ गया एंट्री लेने का। तो यार फाइनली अपने पहुंच रहे हैं लुधियाना जंक्शन। तो यार इधर थोड़ा फ़ोन चोरों से सावधान रहे, अपना फ़ोन कुछ संभाल के बाहर निकले यार, मैं तो रिस्क जा रहा हूँ बट संभाल के रखें अपना सामान। तो यार प्लेटफॉर्म तो उस साइड आ गया, चलो उस साइड चलते हैं। लुधियाना का डीजल लोको शेड तो बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। सामने खड़ी है अमृतसर मेल, अच्छा हावड़ा अमृतसर मेल। भाई खतरनाक गाड़ी है यार, ये पूरी पैक रहती है, नक्को नक पैक। और ये खड़ी है सामने विशाखापट्टनम अमृतसर, ओके गाइस 9 घंटे डिले, हीराकुंड एक्सप्रेस खतरनाक गाड़ी है यार ये भी आज के लिए, 9 घंटे की देरी से चल रही है गाइस ये सामने वाली। तो इसी के साथ गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं लुधियाना जंक्शन। जंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से एक लाइन गई है अटारी के लिए, दूसरी लाइन गई हुई है फाजिल्का के लिए, दिल्ली वाली लाइन जो है राज अम्बाला होते हैं राजपुरा के रास्ते जो आती है एक वो लाइन, और एक लाइन जिस पर से हम आ रहे हैं चंडीगढ़ होते हैं मोहाली के रास्ते। तो ये कुछ लाइनें हैं जो मेनली लुधियाना जंक्शन पर आगे कनेक्टेड होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट जंक्शन बनता है लुधियाना जंक्शन इस रोड का। नॉर्दर्न रेलवे जोन का वन ऑफ द बिगेस्ट रेलवे स्टेशन में से भी हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि हमेशा ये पैक रहता है। और अगर आप गूगल के ऊपर जाओगे तो एक चीज़ और आपको इस लुधियाना जंक्शन के बारे में पता लगेगी कि जो लुधियाना जंक्शन है वो थोड़ा जो है हॉन्टेड रेलवे स्टेशन माना जाता है, बट मैं इस चीज़ को बढ़ावा नहीं देता क्योंकि मुझे खुद इसके बारे में नहीं पता ये सही है या गलत, क्योंकि मैंने तो गूगल पर पढ़ा है, जो पढ़ा है वही सही लगता है मेरे को यार, नहीं वो तो देखने वाली बात। अपनी गाड़ी आप पूछिए लगभग 20 मिनट की देरी से, पहले तो यार काफ़ी ज़्यादा लेट थी, रात को कवर कर दिया टाइम, देखते हैं यार कुछ खाने को मिलता है कि नहीं यहाँ से, लेट्स सी। यार अब तक तो यहाँ पे मुझे अभी कुछ खाने को दिखा नहीं है, सिर्फ स्नैक्स आइटम ही दिख रहे हैं और वो मेरा खाने का भी मन नहीं है। और एक जो छोले कुलचे की रेडी है वो लग रही है, मतलब अभी तक बनाई नहीं है अंकल ने, अभी तो लगा रहे हैं वो, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग टाइम है यार, जल्दी क्या ही बना देगा। मैं तो यार वेट कर रहा था कि कुछ होएगा बट इतने बड़े जंक्शन पर भी कुछ नहीं मिला, देखते हैं यार आगे क्या मिलता है, जलंधर वगैरह में कुछ तो मिले नहीं तो अमृतसर से आगे देखेंगे, लेट्स सी गाइस बने रहना साथ में। तो गाइस मैं देखता हूँ यार थोड़ा आगे जाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आगे कुछ मिलता है तो मैं दिखाता हूँ आपको, रिस्क तो उठा लिया है यार बट अब देखते हैं यार क्या बनता है अपना। यार अभी के लिए तो कुछ और मिला नहीं, यही ले लिया, किसी लगता है इस बार बेचारे को भूख लग रही है बहुत ज़्यादा अभी तो। एक प्लेट दे दो कोई ना यार, आज तो यार कुलचे ही शॉप खुल गई तो मैंने सोचा यार कुलचे ही ले ले, 30 रुपये के 2 पीस मिल रहे हैं, मैं ले लेते कोई बात नहीं। पता नहीं गाइस छोले तो बड़े अजीब से लग रहे हैं और टेस्ट में पता नहीं यार क्या होएगा, चलो अंदर चलता हूँ और रिव्यू करके बताता हूँ आपको कैसा है। तो यार आ गया हूँ, 30 रुपये के 2 कुलचे लिए इन्होंने, और यार जरा टेस्ट करके बताया तो आपको, छोले तो यार पता नहीं कैसे ही है अजीब से, कुछ खास नहीं है यार, वेस्टेज ही है।
तो यार बात करूँ अगर कुलचों की तो एवरेज से ही थे, मुझे भूख लगी थी तो मैं खा गया यार। भूख लगती है तो कुछ भी अच्छा लगता है यार, तो बस वही थी, भूख लग रही थी अच्छे लगे। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ तो यार मुझे दिल्ली से तो कम ही लगे यार, क्योंकि दिल्ली के तो आप भी जानते हो, दिल्ली वाले भी जानते हैं कि दिल्ली के कुलचों की क्या ही वैल्यू है। और एक अमृतसर के कुलचे मेरे को बड़े मस्त लगते हैं यार, मैं जाऊँगा तो देखूँगा अमृतसर के जरूर खाऊँगा। अभी तो यार काफ़ी देर हो गया यार, ये चलने का नाम नहीं ले रही यार, पहले एंट्री नहीं ले रही थी अब चल नहीं रही है, क्या नाटक लगा रहा है यार समझ नहीं आ रहा। तो यार हावड़ा सॉरी हीराकुंड एक्सप्रेस तो निकल पड़ी है, मेरे को पता ही था कि इसी को पहले निकालेंगे, विशाखापट्टनम अमृतसर हीराकुंड एक्सप्रेस 9 घंटे से ज़्यादा की देरी के साथ चल रही है वैसा ये, इसको कल शाम 7 बजे आना था बट कहाँ जा रही है ये। सामने खड़ी है अपनी हावड़ा अमृतसर मेल, इसमें तो भैया बहुत खतरनाक तरीके की वेटिंग थी, मैंने पहले इसमें आना था गाइस बट इसमें मिल नहीं पाई यार सीट, बस यही थी। बहुत जल्दी ट्रैवल करेगा गाइस, इसमें साफ प्यार बताते बरसाते रहना, बहुत जल्दी बहुत सारी नई नई जर्नीज आने वाली है, बहुत मज़ा आने वाला है। मेरा एक बार ये कॉलेज के दिन ख़त्म हो जाए, लास्ट 15 दिन के पड़े हैं, बीच में दो तीन एग्ज़ाम जो उसको ख़त्म करो फिर उसके बाद ट्रैवल करेंगे बैक टू बैक वीडियोस। और गाइस जैसा सोचा था वैसा ही हुआ, हावड़ा अमृतसर मेल को भी निकाल दिया अपने आगे, इसके बाद अपने निकलना है। सो गाइस फाइनली 20 मिनट के लंबे हॉल्ट के बाद लुधियाना जंक्शन से भी निकल पड़े। सॉरी गाइस थोड़ी मूवमेंट हो रही है, एल्को ट्विंस लुधियाना की शान। सो गाइस अब मिलते हैं हम आपसे सीधा जलंधर कैंट, या फिर उससे पहले फगवाड़ा भी मिलता है, चलो बीच में जो जो आएगा दिखाते रहेंगे, बाकी अगला स्टॉपिंग में आपको सीधा फगवाड़ा ही दिखाऊँ। इसमें एक और आता है छोटा सा किल्लूर जंक्शन ऐसे कुछ नाम से, बट उसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, उसके बाद देखना पड़ेगा क्योंकि छोटा सा है ज़्यादा बड़ा नहीं है। मैं सोच रहा हूँ सीधा फगवाड़ा पर मिलते हैं। इसी के साथ यार हम लोग पहुंच चुके हैं फिल्लौर जंक्शन पर। जंक्शन इसलिए कहते हैं अंबाला वाली लाइन से हम लोग आ रहे हैं, अमृतसर वाली लाइन पे हमने बनना है, और एक लाइन यहाँ से लोहिया खास की तरफ गई है, एक पिंड है यार पंजाब का छोटा सा, तो दूसरी साइड की तरफ लाइन गई हुई है। 3 प्लेटफॉर्म का 5 लाइनों वाला एक छोटा सा रेलवे स्टेशन, इस साइड देखो कंटेनर फ्रेट ट्रेन भरे जा रहे हैं पूरे। तो यार शायद अपना सिग्नल हो गया है ग्रीन, चलो यार करते हैं बोर्ड। खुला ढुला हरियाली से आसपास छा रही है थोड़ी बहुत, मतलब मानसून के टाइम पे
अब मिलते हैं जलंधर सिटी में। साथ यार हम लोग पहुंच चुके हैं फगवाड़ा जंक्शन, स्टेशन कोड PGW। फगवाड़ा जंक्शन लोकेटेड है जलंधर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो और यहाँ से मेनली जंक्शन इसलिए कहते हैं बिकॉज यहाँ से एक लाइन गई हुई है मोगा की तरफ। गाइस सीरियसली बताओ तो मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ अब तो यार, ऐसे है कि भैया ट्रेन में अंदर बैठे बैठे नींद आई जा रही है, बिल्कुल हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है यार। अब चाय पीनी पड़ेगी बिकॉज मेरा डेस्टिनेशन थोड़े समय में आ जाएगा और मेरे को उतरना है, फिर आगे कहीं जाना है, तो कुछ ऐसे तैसे करके अपने आप को नींद से थोड़ा बचाना है। इसलिए गाइस आप देख रहे हो मैं बोलते हुए भी काफ़ी टाइम कुछ उल्टा सीधा बोल रहा हूँ, क्या नींद के अंदर हूँ मैं इस टाइम, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। बाकी मेन चीज़ ये है फगवाड़ा जंक्शन को इसीलिए बनाया, फगवाड़ा जंक्शन से एक लाइन गई है जो मोगा की तरफ, अपने काफ़ी पंजाबी गानों में सुना होगा मोगे की बातें, तो यहाँ से एक लाइन मोगा की तरफ गई है और ये बड़ा ही खूबसूरत सा स्टेशन है फगवाड़ा जंक्शन। आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी सारी ट्रेनें जो आके डेली रुकती हैं, काफ़ी पैसेंजर यहाँ पे भी रुक रहे हैं हमारी गाड़ी के, आप देख सकते हैं बहुत ही सारे पैसेंजर रुक रहे हैं यहाँ पे, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेशन बन जाता है यार। और यार ये कपूरथला डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, मैंने जलंधर डिस्ट्रिक्ट बोल दिया सॉरी, ये कपूरथला डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, मेरे को एकदम से याद आया, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। बस यार गाड़ी यहाँ पर करीबन 1 घंटा 40 मिनट की डिले के साथ पहुँची है और थोड़ी देर में बस शायद अब डिपार्चर हो ही जाएगा, निकलते अपने, और धूप भी निकल आई यार सर पे, चलो देखते हैं। यार इधर से कोई गाड़ी ओवरटेक करके जा रही है बड़ी तगड़ी स्पीड में, मैं एकदम से आया देखने के लिए क्या है। यार यहाँ पे हमको ओवरटेक कर दिया बेगमपुरा एक्सप्रेस ने, वाराणसी जम्मू तवी बेगमपुरा एक्सप्रेस ने किया ओवरटेक, खाते जाओ ओवरटेक खाते जाओ, क्या ट्रेन बना डाली है यार, अभी तो खड़े हैं यार फगवाड़े पे डेरा लगा के, देखते हैं यार क्या बनता है आगे। तो इसी के साथ यार फाइनली अपना डिपार्चर हो गया फगवाड़ा जंक्शन से एक ओवरटेक खाने के बाद, तो देखो आप डिपार्चर। अराइविंग ऑन अगली साइड आ गई है अपनी अमृतसर इंटरसिटी, आ गई अमृतसर से चलकर नई दिल्ली को जाने वाली इंटरसिटी।
साथ यार हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे अगले हॉल्ट जलंधर कैंट जंक्शन पे। ये पंजाब का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन भी कह सकते हैं और वन ऑफ द बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारी जो है पैसेंजर ट्रेनों का स्टॉप है और काफ़ी सारे गुड्स ट्रेन जो है यहाँ से ओरिजिनेट होती है और टर्मिनेट भी होती है। स्टेशन कोड है जलंधर कैंट का JRC। बात करें इसको जंक्शन को कहते हैं, यहाँ से एक लाइन होशियारपुर की ओर गई है, दूसरी लाइन जम्मू की ओर गई हुई है, बट हमारी ट्रेन जो है अमृतसर वाया अमृतसर और पठानकोट के रास्ते जम्मू तक की ओर जाएगी। कई ट्रेनें निकल जाती है यहाँ से डायरेक्ट जम्मू की ओर, बट अपनी गाड़ी जो है वाया पठानकोट जाएगी। यार अगर जलंधर कैंट की बात की जाए तो ये आर्मी का काफ़ी बड़ा हब माना जाता है। ओके यार चलो यार यहाँ से डिपार्चर सिग्नल हो गया, निकलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो गाइस सामने आर्मी के ऑफिसर्स हैं। जम्मू तभी दुर्ग एक्सप्रेस खड़ी है आपको दे रहा हूँ। करारी धूप के अंदर और इस खतरनाक ही होती साउंड के साथ पार्सल दे रहे हैं। फाइनली अपने निकल चुके हैं जलंधर से भी। अब जो है हमारा अगला स्टेशन रहेगा जलंधर सिटी जंक्शन, देन उसके बाद ब्यास जंक्शन, फिर हम आगे अमृतसर जंक्शन की आगे होकर जाएगी गाड़ी। मेरे को लगा था आपसे सीधा ब्यास जंक्शन पर ही, क्योंकि जलंधर सिटी के बारे में अभी है मेरा मूड नहीं जलंधर का, मैं थोड़ी देर लेट हो जाकर काफ़ी ज़्यादा फर्क हुआ। अब मेरी और आपकी मुलाकात सीधा ब्यास जंक्शन की होगी। हाँ यार एक बात मैं आपको बता दूँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल रेल मास्टर प्रीत के साथ जुड़े हो ना, एक बार अच्छे से जुड़ो क्योंकि बहुत सारे कंटेंट आने हैं, बहुत सारी ट्रेन जर्नीस और बहुत सारे नॉर्मल फोटोज और पिक्चर्स और कैप्चर्स आते रहेंगे। सर बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही है यार मेरे को, इस नींद के चक्कर में यार मेरे को लेना पड़ा कुछ। भारतीय रेलवे का गर्म पानी, भारतीय रेलवे का गर्म पानी लिया गया इसमें। मैंने कहा यार कुछ ना होने से तो कुछ ही अच्छा है, और एक तो अरे ICF की ट्रैक साउंड ऐसी आएगी अच्छे अच्छे बंदे को नींद आ जाए, हम तो फिर रेल फैन है तो हमें तो आएगी। चलो यार थोड़ी देर में फटाफट ब्यास आने वाला है, मैं फटाफट से अपनी चाय गर्म करके फिर ब्यास का अराइवल लेता हूँ, फिर आपको कुछ बताना भी है मैंने वहाँ पर। फटाफट से पहुँचते हैं ब्यास। इसी के साथ गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं अपने ब्यास जंक्शन पे। स्टेशन कोड है BEAS। ये स्टेशन लोकेटेड है फिरोजपुर डिवीजन में नॉर्थन रेलवे जोन के ऊपर। जंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से एक लाइन तरन तारण साहब की ओर गई है, तरन तारण शहर की ओर गई हुई है। एक बात जो ब्यास जंक्शन को खास बनाता है कि इसको इंडिया का सबसे क्लीनेस्ट रेलवे स्टेशन का अवार्ड तक मिल रखा है गाइस। वो कितनी प्राउड की बात है अपने पंजाब के स्टेशन को यार, क्लीनेस्ट पूरे इंडिया का क्लीनेस्ट रेलवे स्टेशन का अवार्ड मिल रखा है यार, काफ़ी बढ़िया बात है, काफ़ी प्राउड फील होता है। तो अभी तो खड़े हैं यार ब्यास जंक्शन पे, और आपको एक चीज़ बता दूँ, हम जा रहे हैं खाली अमृतसर तक, ये जर्नी अमृतसर पे एंड हो जाएगी। बाकी पहुंचना था सुबह 8 बजे, टाइम हो गया 9, एक घंटा तो अभी लेट है, अभी भी शायद आधा पौना घंटा लग जाए, हाँ वही 1.5 घंटे के आसपास। चलो यार देखें इधर से डिपार्चर।
फाइनली यार निकल पे यहाँ, निकल पड़े हैं ब्यास से यार, क्या करूँ, पंजाब में आते पंजाबी लैंग्वेज आ गई जबान पे, तो निकल पड़ेगा इस ब्यास से। और फाइनली हमारा तो डेस्टिनेशन आ जाएगा इसके बाद अमृतसर जंक्शन। कर करती जाती है और बहुत ओवरटेक खाती है यार। सही, अगर आपको मज़े से जाना है अपने मतलब पूरा रूट को एंजॉय करते जाना है तो आपके लिए गाड़ी ठीक है, अदरवाइज यार ये गाड़ी प्रेफर ना ही कीजिए तो बेटर है। स्किपिंग जंडियाला, सर एक चीज और बतानी रह गई थी कि मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपनी रेल मास्टर प्रीत की इंस्टाग्राम आईडी की इंस्टाग्राम प्रोफाइल की जो है आईडी मेंशन कर रखी है, फटाफट से आप जाओ और यार इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लो, बिकॉज अगर आपको मैसेज मिलना है या मैं से बातें करनी है तो आपको उधर आना पड़ेगा और उसी दिन मैं उधर ही मैं अपना स्टोरी लगाता रहता हूँ कि आज मैं कहाँ जाऊँ, कल मैं कहाँ जाऊँ और परसों मैं कहाँ जाऊँगा, सारा कुछ जो है मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी पे अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे लगा देता हूँ, आपको जाना पड़ेगा, फटाफट से जाओ और फॉलो कर लो रेल मास्टर। ये निकल रही है इस पठानकोट पुरानी दिल्ली और हम लोग पहुँच गए अमृतसर जंक्शन। पूरी पैक है यार गाड़ी। सो गाइस फाइनली अपनी डेस्टिनेशन तो आ गई अमृतसर जंक्शन, तो अब करते गए इस वीडियो को एंड। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी और मेरा एफर्ट अच्छा लगा तो यार प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना और लाइक कमेंट शेयर करना तो बनता ही है, और बताना मुझे कि आपको कौन सा पार्ट ज़्यादा बढ़िया लगा। सारी रात जागो यार इस ट्रेन को कवर करने के लिए, और मेरी यार आपको राय यही है कि भाई इस ट्रेन के अंदर ट्रैवल करना है तो लंबा टाइम निकाल के निकलना, क्योंकि ये ट्रेन आराम से 10 घंटे लेने वाली है, 10 से 11 घंटे, 12 घंटे भी हो सकते हैं, 15 घंटे भी हो सकते हैं। बस यही है गाइस, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल गाइस, बिकॉज बहुत सारे कंटेंट आ गए ऑन द वे आने वाले हैं, बहुत मज़ा आएगा, बहुत सारी जर्नी करेंगे साथ में और पता करेंगे भारतीय रेलवे में ऐसी कौन कौन सी ट्रेनें हैं जो सुस्ती है, अपनी सुस्ती के नाम से जाना जाता है। चलो यार अब आपको अलाइवली दिखाते हैं।
Thank you.